चलो वंदे, विद्यालय जाने का समय हो गया है। हाँ आता हूँ नन्नी, चलो। नन्नी पता है तुम्हें, कल अध्यापक जी मेरे घर आए थे पिताजी से मिलने के लिए। कह रहे थे विद्यालय में आलिया दीदी के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फॉर्म भर दें। फॉर्म? कौन सा फॉर्म बंदे? अरे नन्ही तुम्हें नहीं पता, अभी थोड़े ही महीनों में चुनाव आने वाले हैं और आलिया दीदी कुछ ही दिनों में 18 वर्ष की हो जाएगी। हाँ और 18 वर्ष के बाद तो मतदान जरूर करना चाहिए। हाँ इसलिए अध्यापक जी कह रहे थे सभी जानकारियों को सुनिश्चित कर फॉर्म ठीक से भरें और सभी जानकारी को रजिस्टर में नोट कर लें। हाँ वंदे, क्योंकि सभी जानकारियों का लेखा जोखा रजिस्टर में रखने से डाटा संग्रह करने में आसानी होती है। पर नन्ही मेरे मन में एक सवाल आया, क्या हमारे सरपंच काका भी डाटा संग्रह करते होंगे? हाँ बिल्कुल, सर्वप्रथम ग्राम सभा में सेल्फ पारित किया जाता है। कार्य शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करने के उपरांत वर्किंग कमेटी बनाई जाती है। कार्य का एस्टीमेट बनाया जाता है जिससे सभी कार्यों का लेखा जोखा रखा जा सके। हाँ मुझे मालूम है, पंचायत में सभी प्रत्येक संस्थाओं द्वारा अपनी संस्थाओं के हिसाब किताब रखने हेतु रजिस्टर, खाते, रोकड़ बही तथा अन्य अभिलेख अनिवार्य रूप से संधारित करने होते हैं। प्रतिनिधियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं और इनका क्या महत्व है। अरे वाह वंदे, तुम्हें तो सब ज्ञात है, अब जरा हमारे गांव वालों को भी तो इसकी जानकारी पूर्ण रूप से दो। हाँ हाँ बताता हूँ, आज मैं तुम्हें सिर्फ इसके बारे में ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों के अन्य अभिलेखों व रजिस्टरों के बारे में भी बताऊंगा। हाँ वंदे सब बताएगा, लेकिन इससे पहले हम सत्र को शुरू करें, आप लोग ताली बजा दीजिए। अब आप लोग आराम पूर्वक बैठ जाइए, हमें आपका पूरा ध्यान चाहिए। सत्र की समाप्ति के बाद हम आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आप भी अपने मन में चल रहे सभी प्रश्नों को कागज पर लिख कर रख लें। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अभिलेखों तथा रजिस्टरों के सही रखरखाव से हमें 5 सालों में उनके द्वारा की गई गतिविधियों की जानकारी हमेशा के लिए मिल सकती है। ये अभिलेख तथा रजिस्टर एक तरह के सरकारी दस्तावेज होते हैं। यही अभिलेख तथा रजिस्टर किसी वाद के निर्णय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिलेखों के सही संधारण ना होने के कारण कई बार निर्वाचित पदाधिकारियों व कर्मचारियों का उनके पदों से निलंबन व निष्कासन किया जा सकता है, जिस कारण न केवल उनके पद की प्रतिष्ठा प्रश्नगत होती है बल्कि उनकी सामाजिक तथा राजनैतिक छवि भी खराब होती है। इसका मतलब है बंदे, सभी प्रतिभागियों को अपने कार्य की सूची बनाना अनिवार्य है, ऐसा ना करने पर उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जा सकता है। हाँ इसलिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि व कर्मचारी को अपनी संस्था के रिकॉर्ड के संधारण तथा रखरखाव के प्रति गंभीर रहना चाहिए। इसका मतलब अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करी गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया जाता है। हाँ नन्ही, जैसे कि पंचायत के अभिलेखों की सही लेखा पढ़ी हो सके इसलिए राज्य सरकार द्वारा कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न रजिस्टर निर्धारित हैं। आवक रजिस्टर, पंचायत में प्राप्त होने वाले पत्रों का लेखा जोखा संचारण हेतु। जानक रजिस्टर, पंचायत से विभिन्न विभागों, व्यक्तियों और थाने को भेजे जाने वाली डाक व्यवस्था एवं
कार्यवाही विवरणों तथा निर्णयों की सूचनाओं का रिकॉर्ड रखने हेतु स्टॉक रजिस्टर पंचायत द्वारा खरीद की गई सामग्री व खपत का विवरण हेतु आय प्राप्त रजिस्टर योजनावार प्राप्त राशि प्राप्ति का स्रोत व्यय वाउचर का लेखा जोखा इस रजिस्टर में रखा जाएगा। नामांतर रजिस्टर नामांतर रजिस्टर में दर्ज होने व सत्यापित करने का विवरण इसमें लिखा जाता है। विकास कार्य उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र रजिस्टर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जैसे स्कूल भवन औषधालय भवन नाली खरंजा सीसी रोड अन्य महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्य निर्माण आदि कार्य करने की पूर्ण प्रमाण पत्र विकास कार्यों का पूर्ण लेखा जोखा इस रजिस्टर में रखा जाएगा। अच्छा वंदे, क्या इस अभिलेख के अंदर हमारे गांव वालों का भी लेखा जोखा शामिल किया गया है? हाँ नन्ही, हमारे गांव में होने वाले सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रजिस्टर में रखा जाता है। जैसे कि ग्राम पंचायतों द्वारा बनाया गया विद्यालय का भी लेखा जोखा रजिस्टर में भरा गया होगा। प्रमुख सचिव के आय पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहते हैं। पंचायतों में ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों से सचिवों का नाम लिया जाता है। भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व ग्राम पंचायत की अधिकारिता के तहत आने वाले क्षेत्र के लेखपाल का है। प्रत्येक नियोक्ता ऐसे रजिस्टरों और उनके द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के इस तरह के ब्यौरे देने का रिकॉर्ड रखेगा। उनके द्वारा निष्पादित कार्य उन्हें मजदूरी का भुगतान रसीदें उन्हें और इस तरह के अन्य ब्यौरे से निर्धारित किया जाता है जिसका रिकॉर्ड भी रजिस्टर में रखा जाता है। प्रत्येक नियोक्ता कारखाने कार्यशाला या अनुसूचित रोजगार में कर्मचारियों को नियोजित किया जा सकता है जहां स्थान का निर्धारित होना अनिवार्य है। ऐसी रीति से कारखाने कार्यशाला या जगह से बाहर कार्यकर्ताओं के मामले में निर्धारित विवरण के निर्धारित प्रपत्र में उन्हें नोटिस का काम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समुचित सरकार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा जिनके संबंध में किसी भी अनुसूचित रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन किताबें या मजदूरी निकाली जाती हैं, जो प्रविष्टियों में बनाया और नियोक्ता या उसके एजेंट द्वारा ऐसी मजदूरी किताबें या वेतन स्लिप में प्रमाणीकृत किया जाता है जिसका हिसाब भी रजिस्टर में रखा जाता है। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव करता है। गांव के विकास में उपयोग में लाए गए भूमि का मापन तथा उसका पूरा लेखा वो अपने रजिस्टर में एकत्र करता है। इसका मतलब गांव की सभी गतिविधियां अभिलेखों में एकत्र की जाती होगी? हाँ, पंचायत के पास गांव के सभी परिवारों के लिए ग्राम परिवार का रजिस्टर मौजूद है। उपनियम के अधीन तैयार किए गए परिवार रजिस्टर के इंद्राजों को हर कैलेंडर वर्ष के समाप्ति पर संशोधित किया जाएगा। पिछले वर्ष अर्थात 31 दिसंबर तक हुए जन्म मृत्यु और विवाहों से संबंधित सभी इंद्राज रजिस्टर में किए जाएंगे। इंद्राजों में ग्राम सभा के निर्वाचित क्षेत्र के संबंधित सदस्य के प्रमाण पत्र या किसी अधिप्रमाणित साक्ष्य के बिना कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। परिवार में विभाजन की स्थिति में विभाजन का इंद्रज परिवार रजिस्टर में तभी किया जाएगा जब कुटुंब का मुखिया इसके लिए आवेदन करे तथा ग्राम सभा इसकी साधारण या विशेष बैठक में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर इसका निर्णय ले। इसका मतलब वंदे, हमारे गांव में होने वाले सभी समारोह तथा शादी का पंजीकरण भी पंचायत में कराया जाता होगा, है ना? हाँ नन्ही, गांव की सभी गतिविधियों को रजिस्टर में शामिल किया जाता है। पर इसकी आवश्यकता क्यों है वंदे?
इसकी आवश्यकता है नन्ही। देखो, जैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका, बिल, बाउचर, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की कार्यवाही के रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत विकास योजनाओं की कार्य योजना का लेखा जोखा रखने से ये लंबे समय तक उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एक सूचना पट भी लगाया जाएगा कि पंचों के कार्यालय में उन्होंने कितने कार्य किए, उसका लेखा जोखा रखा जा सके। हाँ, जैसे ग्राम पंचायतों में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है तो रजिस्टर के माध्यम से उसे कई जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही नन्ही। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अहम इसलिए है क्योंकि जन्म और मृत्यु को रिकॉर्ड करने से व्यक्ति की पहचान, राशन कार्ड बनाने के लिए नाम, पारिवारिक संबंध, जन्म का स्थान आदि की सूचना प्राप्त होती है। स्कूल में प्रवेश लेने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं। पुश्तैनी संपत्ति का निपटारा और परिवार को मिलने वाले इंश्योरेंस, पेंशन जैसे फायदों के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मृत्यु के रिकॉर्ड, महामारी संक्रामक रोगों की व्याप्तता का आंकलन करने के लिए और इन्हें रोकने के लिए योजना बनाने के लिए मृत्यु संबंधी सूचनाएं व आंकड़े आवश्यक होते हैं। मृत्यु का समय और तारीख निर्धारित करने के लिए तथा मृत्यु का तथ्य तय करने ताकि मृतक को सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक बाध्यताओं से मुक्त किया जा सके। अगर जन्म और मृत्यु किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या मेडिकल संस्था में हुई है तो ऐसे जन्म और मृत्यु की जानकारी संस्था की तरफ से संबंधित रजिस्ट्रार को 21 दिनों के अंदर देनी होती है। और तो और, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए स्थान भी तय किया जाता है। हाँ, और वह स्थान व्यक्ति के जन्म और मृत्यु पर निर्भर करता है। जन्म तथा मृत्यु जिस स्थान पर हुई हो उस क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रार के पास ही पंजीकृत होना चाहिए। यदि जन्म या मृत्यु ग्रामीण क्षेत्र में हुई हो तो पंजीकरण ग्राम पंचायत में होगा। यदि शहरी क्षेत्र में हुई है तो संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम आदि में किया जाएगा। यदि जन्म या मृत्यु अस्पताल में हुई हो तो पंजीकरण के लिए समीपस्थ स्थानीय पंजीकरण संस्था को सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा भिजवाई जाएगी। अच्छा नन्ही, तुम्हें मालूम है कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसकी भागीदारी मांगी जाएगी? क्या वो केवल परिवार के सदस्य पर निर्भर रहेगा? यदि परिवार में कोई सदस्य ही ना हुआ तो? हाँ वंदे, मुझे मालूम है। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति होगा और इसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए प्राधिकारी को फीस भी देनी पड़ती है। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु अपेक्षित व्यक्ति घर का मुखिया, मुखिया का वो निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित है या उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ वयस्क पुरुष, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति या परिचार्य गृह में कार्यरत चिकित्सक, जेल में मृत्यु या जन्म के लिए जेलर होगा, किन्हीं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए प्राधिकारी व दे फीस। जन्म या मृत्यु के 30 दिन के अंदर रजिस्टर ना करवाने पर 2 रुपए विलंब फीस देने के बाद पंजीकृत किया जाएगा। अगर जन्म व मृत्यु की सूचना 30 दिन के बाद परंतु 1 वर्ष के अंदर ही दी जाती है तो विलंब फीस 5 रुपए देय होगी। यदि जो सूचना 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण नहीं की गई, तो संबंध जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस मामले को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को जन्म एवं मृत्यु की सत्यता के सत्यापन को भेजेगा। उसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को भिजवाया जाएगा जो उसे 10 रुपए विलंब फीस
संदाय करने पर पंजीकरण करेगा। तुम्हें याद है वंदे, कुछ समय पहले ही मुनिया काकी के यहाँ विवाह में गए थे। तुम्हें पता है कि विवाह का भी पंजीकरण होता है? हाँ मुझे पता है नन्ही, परंतु गांव वालों को ज्ञात नहीं है। तुम उन्हें बताओ कि विवाह का पंजीकरण की आवश्यकता अहम क्यों है। हाँ विवाह का पंजीकरण भी अहम है, क्योंकि विवाह का कानूनी प्रमाण है मैरिज सर्टिफिकेट। साथ ही शादी से संबंधित सभी कानूनी अधिकार और लाभ दिलाने में इससे मदद मिलती है। हाँ विद्यालय में अध्यापक जी ने बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 में से किसी एक के तहत शादी को पंजीकृत किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम केवल हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट भारत के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। हाँ ठीक कह रहे हो बंदे, और इसके लिए कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। पति पत्नी के हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, आयु या जन्म का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, लड़की शादी से पहले जहां रहती हो वहां का आवासीय प्रमाण पत्र, शादी के फोटोग्राफ, निमंत्रण पत्र, मंदिर में शादी हुई तो पुजारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि विदेशी से शादी हुई हो तो उसके देश की एम्बेसी द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पति और पत्नी के पासपोर्ट साइज के फोटो, ये फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर पेस्ट की जाती हैं, शादी के समय की फोटो, आवेदन प्रपत्र के साथ शादी की एक फोटो संलग्न करना आवश्यक है, इसके वरमाला डालने वाली फोटो प्रासंगिक फोटो हो सकती है। पत्नी या पति में से कोई विधवा या विधुर है तब उन्हें अपने पूर्व पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होती है। पति या पत्नी में कोई तलाकशुदा है तब उन्हें सक्षम न्यायालय की तलाक की डिग्री आवेदक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र में दो गवाहों के हस्ताक्षर और उनका पता दिया जाना आवश्यक है। दस्तावेज जमा करना, निर्धारित आवेदन प्रपत्र को सावधानी के साथ भरकर इसके ऊपर बताए दस्तावेजों संलग्न कर अपने क्षेत्र के नगर निगम या नगर पालिका या ग्राम पंचायत जैसी भी स्थिति हो उसके कार्यालय के संबंधित विभाग में जमा करना चाहिए। पंजीयक आवेदन में दिए गए तथ्यों की जांच अभिलेखों से करता है और उसका समाधान होने पर वो 15 दिनों के अंदर विवाह प्रमाण पत्र दंपत्ति को जारी करता है। पंजीयक का समाधान नहीं होने पर वो गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है और उस पंडित को बुला सकता है और उसे बयान दर्ज कराने का आदेश दे सकता है। पंजीयक शादी हुई है का समाधान होने पर ही प्रमाण पत्र जारी करता है। पंजीयक विवाह के पंजीयन से इनकार नहीं कर सकता, किंतु आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं होने पर ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। पंजीयन उसी शहर या गांव की नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत में होगा जिसके क्षेत्राधिकार में विवाह संपन्न हुआ है। किसी दूसरे शहर में पंजीयन करना गैर कानूनी है। पंजीयक विवाह प्रमाण पत्र में हुई किसी गलती को ठीक करने के उत्तरदायी है। पंजीयक पंजीयन शुल्क के दंपत्ति से मात्र 100 रुपए की राशि फीस के रूप में प्राप्त करेगा। पर इसके साथ ही कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। लाभ? किस प्रकार के लाभ नन्ही? विवाह पंजीकरण के लाभ, ये प्रमाण पत्र पति पत्नी के संबंध को प्रमाणित करता है। पति या पत्नी का पासपोर्ट बनाने के सहायक है। यदि पति किसी दूसरे देश का नागरिक है तब पत्नी को इस देश की नागरिकता दिलाता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके अधिकार दिलाने में सहायक है। यदि विवाह के बाद पत्नी का नाम बदल गया है तब पत्नी अपने सारे अभिलेखों में अपने नाम को इस प्रमाण पत्र की सहायता से दर्ज करा सकती है। विवाह पंजीकरण पर अधिनियम की धारा 16 के अंदर जुर्माना और दंड के आधार भी हैं,
जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धारा 7 का उल्लंघन करता है, विवाह का पंजीकरण नहीं करता है, विवाह के पंजीकरण के लिए भेजे ज्ञापन में गलत सूचना देता है, तो वो व्यक्ति या रजिस्ट्रार निम्नलिखित रूप से दंडित किया जा सकता है। जुर्माने व दंड की राशि। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 7 के अनुरूप सूचना नहीं देता है अथवा गलत सूचना देता है, तो दोषी सिद्ध होने पर उसे 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 की धारा 17 के अनुसार अगर विवाह रजिस्ट्रार किसी ज्ञापन को नस्ती नहीं करता है, तो इस अपराध के लिए उसे 3 माह तक का कठोर कारावास या 500 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति विवाह पंजीकरण रजिस्टर को विकृत या नष्ट करता है, तो पकड़े जाने पर उसे 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति से सद्भाव पूर्ण रीति में इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने में गलती हुई हो, तो उसको क्षमा किया जा सकता है। अब समझ गए तुम बंदे? हाँ, मैं तो समझ गया और हमारे गांव वाले भी समझ गए होंगे। यदि आपके मन में किसी भी तरह के प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। चलो बंदे, अब हम शाम को मिलेंगे और बहुत सारी जानकारियां हैं जो गांव वालों को बतानी है, जिनसे इनका अवगत होना आवश्यक है। ठीक है नन्नी, हमारे गांव वाले सभी बात ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आगे भी वो इसी प्रकार सभी जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। नन्नी और वंदे को आपसे अभी ढेरों बातें करनी है। नन्ही नन्ही, तुम्हें मालूम है आज पड़ोस के गांव में पुलिस आई थी? हाँ वंदे, मैंने भी इस बारे में सुना। लोग कह रहे थे कि धनीराम ठेकेदार ने सड़क निर्माण के कार्यों में कुछ घपला किया है। हाँ, मैं भी वहाँ गया था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। सरपंच काका भी वहाँ आए थे, उनके हाथ में माप पुस्तिका थी जिसे वो पुलिस को दिखा रहे थे। पता है, उसी माप पुस्तिका को देखने के बाद पुलिस ने FIR लिखा। माप पुस्तिका? ये भला माप पुस्तिका क्या है जो सरपंच काका पुलिस को दिखा रहे थे? इतनी गंभीर स्थिति में भी वो पुस्तक लेकर वहाँ क्यों गए थे? अरे बुद्धू, माप पुस्तिका कोई ऐसी वैसी पुस्तिका थोड़ी होती है, ये ग्राम पंचायत की बहुत ही अहम पुस्तिका होती है। मुझे भी इसके बारे में विस्तार से बताओ ना वंदे, आज मैंने कई लोगों से पुस्तिका के बारे में सुना तो है, छुटकी और तिजिया भी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस पुस्तिका के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है। हाँ हाँ, बताता हूँ मैं तुम्हें माँ पुस्तिका की पूरी जानकारी दूंगा। हाँ, मैं तो ध्यान पूर्वक सुनूंगी, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं सबसे पहले आप सभी को उस माँ पुस्तिका के बारे में बताता हूँ जिसे सरपंच काका पुलिस को दिखा रहे थे। हर निर्माण कार्य के रखरखाव के लिए एक माँ पुस्तिका बनाई जाती है। इस पुस्तिका को कई लोग MB पुस्तिका के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तिका का प्रारूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर तय किया जाता है। माप पुस्तिका का रखरखाव हर प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक है, चाहे वो निर्माण कार्य सड़क का हो या किसी भवन का। माप पुस्तिका एक छोटी सी नोटबुक होती है, आमतौर पर इसका आकार 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा व 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसमें सामान्यतः 100 पन्ने होते हैं। हालांकि इससे कम पन्नों की माप पुस्तिका भी होती है। तो क्या माप पुस्तिका मात्र हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाई जाती है या इसके अन्य काम भी होते हैं? नहीं नन्ही, इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। ध्यान से सुनो। इस दस्तावेज को कई कामों में उपयोग में लाया जाता है।
इसलिए इसे बड़ी सावधानी के साथ रखा जाता है। इस पुस्तिका में एक एक निर्माण कार्य का रिकॉर्ड सरल एवं स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। इसकी महत्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी तरह के विवाद, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार आदि के होने पर इस पुस्तिका को कोर्ट के सामने भी लाया जाता है। जो भी कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं उनका पूरा विवरण, जैसे कि कार्य किसके द्वारा किया गया, कितना उस कार्य पर मजदूरी व निर्माण सामग्री लगी, कार्य कितने दिनों तक चला आदि का पूरा विवरण MB में रखा जाता है। हाँ, अब मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ वंदे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि गांव में तो विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, सभी तरह के निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड रखा जाए, इसके लिए माप पुस्तिका को किस तरह से तैयार किया जाता है? गांव में होने वाले विकास कार्यों से जुड़े लेन देन का पूरा हिसाब रखा जाए, इसके लिए माप पुस्तिका को तैयार करते समय कुछ रीतियों का ख्याल रखा जाता है। माप पुस्तिका को निम्नलिखित रीतियों में बनाया जाता है। सभी तरह के निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए माप पुस्तिका का रखरखाव आवश्यक है, इसलिए इस पुस्तिका को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे आमतौर पर 3 लाख से कम लागत के निर्माण कार्यों के लिए ब्यौरे वाले माप पुस्तिका की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के कार्यों को माप पुस्तिका में केवल कार्य स्तरवार प्रविष्टि दी जाती है। अगर कोई निर्माण कार्य 3 लाख या इससे अधिक की लागत का है तो इन कार्यों को माप पुस्तिका के ब्यौरे वार में दर्ज किया जाता है। तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाता है। इसी तरह JEE की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाता है। संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा समस्त माप पुस्तिकाओं को सहायता अभियंता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाता है। संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा समस्त माप पुस्तिकाएं पंचायत के सचिव को यथास्थिति तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता को आगे प्रेषित करने के लिए जारी की जाती हैं। पंचायत से संबंधित समस्त माप पुस्तिकाएं सचिव द्वारा प्राप्त करने पर तुरंत क्रम अनुसार संख्याकित की जाती हैं। उससे संबंधित रजिस्टर पंचायत के कार्यालय में इसके सचिव द्वारा स्वयं या उनके अधीन अधिकारियों द्वारा हर रजिस्टर में क्रम संख्या को दर्शाते हुए यथास्थिति तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता का नाम जिसे जारी किया गया है। उसमें जारी करने की तारीख और उसके वापस करने की तारीख को दर्शाते हुए बनाई जाती हैं। किसी भी माप पुस्तिका को प्रयोग में लाने से पूर्व इसके प्रथम पृष्ठ पर तारीख सहित सचिव के हस्ताक्षर और मोहर होती है। तकनीकी माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों को भरते समय तो बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता होगा। हमारे प्रतिनिधियों को इसके बारे में पता होना चाहिए ना वंदे? हाँ नन्ही, तकनीकी माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों को भरते समय इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए कि तकनीकी माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों को भरते समय इन बातों का ख्याल रखें। माप पुस्तिकाओं को केवल वही व्यक्ति लिख सकता है जिसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो। इसे लिखने की जिम्मेदारी तकनीकी कर्मचारी की होती है। कार्य का पूरा नाम उसी तरह से लिखा जाना चाहिए जिस तरह से स्वीकृत पत्र में लिखा गया है। कार्य किस ग्राम पंचायत में हो रहा है, स्थानीय निकाय कौन सी है, विभाग इत्यादि की जानकारी स्पष्ट तौर पर लिखी जानी चाहिए। कार्य करने वाली एजेंसी का नाम, कार्य पूर्ण होने की तिथि या मस्ट्रोल नंबर जिसमें कार्य के पूर्ण होने की तिथि बताई गई हो, कार्य को मापने वाली तिथि यदि कार्य पहले भी मापा गया हो तो पिछली तिथियों का लेखा जोखा कार्य की मेजरमेंट शीट व असेसमेंट का पूर्ण सार। माप पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां
स्याही से की जाएंगी तथा ये भी ध्यान रखा जाएगा कि लिखावट साफ सुथरी हो। माप पुस्तिका भरते समय कोई भी पन्ना अथवा पंक्ति खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई पन्ना खाली रह भी जाए तो उस खाली पृष्ठ पर स्याही से काट कर एक्स का चिन्ह बनाना चाहिए। निर्माण कार्य के पूरे होने पर या निर्माण कार्य के दौरान 15 दिनों के भीतर काम की पैमाइश करके उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए। MB पूर्ण रूप से भरने के बाद इसे लेखा अधिकारी के पास पूर्ण दस्तावेजों के साथ पास ऑर्डर के लिए भेज दिया जाता है। पास ऑर्डर लगने के बाद उस कार्य का भुगतान कर दिया जाता है। इसका मतलब तकनीकी मानक एक दस्तावेज के रूप में होते हैं। तकनीकी मानक एक समान इंजीनियरी मानदंड, विधि, प्रक्रम या व्यवहार का प्रचलन करने के ध्येय से बनाए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा होती है एवं अन्य लाभ भी होते हैं। हाँ नन्ही, किसी तकनीकी तंत्र, प्रक्रम, सेवा या उत्पाद के बारे में निर्धारित आवश्यक मापदंड को तकनीकी मानक कहा जाता है, जिसे दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। हाँ, मुझे ज्ञात है, एक बार पिताजी ने बताया था कि ग्राम में रोजगार बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी ही कार्य और मांग के अनुसार मस्ट्रोल जारी कर सकेंगे। हाँ नन्ही, महात्मा गांधी नरेगस में अभी तक पंचायत समिति से जारी होने वाले मस्ट्रोल अब ग्राम पंचायत पर ही उपलब्ध होंगे। इससे जहाँ श्रमिकों को समय पर रोजगार मिलेगा, वहीं रोजगार सहायकों को मस्ट्रोल के लिए पंचायत समिति तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मस्ट्रोल पंचायत के निर्माण कार्य का विभागीय स्तर पर दैनिक मजदूरों द्वारा निष्पादन करने की दशा में सचिव स्वयं या उसके अधीन कोई अन्य अधिकारी पदाधिकारी ऐसे प्रारूप में नामावली बनाए रखेगा। संबंध पंचायत, संबंध जिला पंचायत अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा से अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसकी डिमांड देकर मस्ट्रोल प्रारूप प्राप्त करेगी। पंचायत का सचिव तकनीकी अधिकारी या निर्माण कार्य करने वाली कमेटी को उपस्थिति नामावलियां जारी करेगा। पंचायत सचिव मस्ट्रोल जारी करने के लिए मस्ट्रोल रजिस्टर बनाएगा। दैनिक मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण कार्य की दशा में निर्माण कार्य का प्रभारी व्यक्ति मस्ट्रोल बनाए रखेगा और समस्त संदाय पंचायत के सचिव द्वारा मस्ट्रोल को पारित करने के बाद किए जाएंगे। मजदूरी की राशि पाने वाले की रसीद मस्ट्रोल पर प्राप्त की जाएगी। पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव सहायक द्वारा मस्ट्रोल रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें की जिला पंचायत अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, खंड विकास अधिकारी से प्राप्त हर मस्ट्रोल की एंट्री की जाएगी। जिस कार्य के लिए मस्ट्रोल जारी किया जाएगा उसका अभिलेख भी मस्ट्रोल रजिस्टर पर पंचायत सचिव पंचायत सहायक द्वारा किया जाएगा। किसी मस्ट्रोल को पूर्ण होने पर इसकी एंट्री के बाद रजिस्टर को पंचायत में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए पंचायत द्वारा ही मस्ट्रोल जारी किए जाएंगे। अच्छा वंदे, मुझे ये बताओ कि मस्ट्रोल रजिस्टरों का और क्या महत्व है? क्या इससे पूंजी और लागत के विषय में भी कुछ मालूम होता है? हाँ नन्ही, इन रजिस्टरों से पूंजी और लागत के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। वहीं विभिन्न तरह की लेन देन और छल कपट से निपटने में भी ये सहायक हैं। तुम्हें मालूम है कि मस्ट्रोल अपने आप में किसी लिखित प्रमाण की तरह है और अदालती कार्यों में ये मान्य होते हैं। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ ना वंदे। हाँ हाँ नन्ही, ध्यान से सुनो मैं जो अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मस्ट्रोल रजिस्टर का महत्व, पूंजी और लागत का ज्ञान, विभिन्न लेन देन का रिकॉर्ड, छल कपट से सुरक्षा, लिखित प्रमाण, अदालती कामों में उपयोग, लाभ हानि का आंकलन,
पिछले खर्च से तुलना, विकल्पों का चयन, आर्थिक स्थिति का ज्ञान, स्पष्ट लेन देन, पूंजी या लागत का पता लगाना। मस्ट्रोल रजिस्टरों को बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि समस्त संपत्ति जैसे मशीन, भवन या अन्य किसी तरह के विकास कार्यों में लगने वाले धन के बारे में सही सही पता लग पाता है। विभिन्न लेन देनों को याद रखने का साधन। ग्राम पंचायतें कई तरह के निर्माण कार्य करती हैं, ऐसे में उन्हें कई तरह के लेन देन भी करने पड़ते हैं। उन सबको याद रखना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए हर लेन देन को लिख कर रखने से उनके बारे में सारी जानकारी मिल पाती है। कर्मचारियों के छल कपट से सुरक्षा। पंचायतों के विकास कार्य में किस तरह की गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी कब हुई और कैसे हुई, ऐसे अनेक सवालों पर जवाब मस्ट्रोल रजिस्टर से मिल जाता है। अच्छी तहकीकात में ये रजिस्टर सहायक है। लिखित प्रमाण। मस्ट्रोल रजिस्टर अपने आप में लिखित प्रमाण की तरह काम करता है। ये पंचायत द्वारा किए जाने वाले हर काम का साक्ष्य है और इसकी मदद से पंचायत कर्मचारियों पर पूरी पूरी दृष्टि रखी जा सकती है। अदालती कामों में उपयोग। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अगर मामला अदालत में चला गया है तो वहाँ भी ये रजिस्टर मान्य होता है। रजिस्टर में लिखे आंकड़ों को अदालत गंभीरता से लेती है। लाभ हानि का आंकलन। पंचायत को किस निर्माण या विकास कार्य में कितनी हानि हुई है या किस निर्माण कार्य से कितना लाभ हुआ है, इसका पता भी इस रजिस्टर के अध्ययन के बाद लग जाता है। पिछले खर्च से तुलना। इस बार हुए विकास कार्य में पिछले बार के विकास कार्य के बदले कितना पैसा अधिक या कितना पैसा कम लगा है, इसकी तुलना इस रजिस्टर से की जा सकती है। विकल्पों का चयन। मस्ट्रोल रजिस्टर से विकास कार्यों में हुए खर्चों का पता लगता है। ऐसे में इसके अध्ययन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस काम के लिए किस तरह का विकल्प फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। कौन सी पंचायत आर्थिक रूप से संपन्न है, इसका पता लगाने के लिए मस्ट्रोल रजिस्टरों का अध्ययन किया जा सकता है। विकास कार्यों का सीधा संबंध गांव की खुशहाली से है। स्पष्ट लेन देन। लेन देन को पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसका रिकॉर्ड सही से रखा जाए। लेन देन की पारदर्शिता को बनाए रखने में मस्ट्रोल रजिस्टर सहायक है। क्या तुम्हें पता है नन्ही, श्रम कल्याण मंडल की ओर से निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता के लिए कड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मुख्यालय ने अब योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, क्या तुम मुझे बताओगे वंदे? हाँ नन्ही, श्रम कल्याण मंडल की ओर से निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता के लिए कड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मुख्यालय ने अब योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं, जहां संबंधित श्रम निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद ही लाभार्थी को राशि जारी की जाएगी। भौतिक सत्यापन। सारे सामान का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा कम से कम 6 मास में एक बार और प्रत्येक वर्ष अप्रैल में किया जाएगा। सत्यापन का परिणाम लिखित में किया जाएगा। अप्रैल में सत्यापन का परिणाम देते समय सामान की भौतिक स्थिति के बारे में भी विवरण किया जाएगा। ध्यान में लिया गया कोई अधिशेष को अतिरिक्त प्राप्ति मानते हुए और कमी को लाल स्याही से स्टॉक रजिस्टर पर अंकित किया जाएगा। कमी की लागत सक्षम अधिकारी के आदेशाधीन उचित छानबीन के बाद वसूल की जाएगी। स्टोर
सामान की वस्तुएं जो नकारा हो तुरंत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नीलामी द्वारा या बट्टे खाता डालकर समाप्त की जाएगी। स्टॉक रजिस्ट्रों में सभी चीजों का रिकॉर्ड किस प्रकार रखा जाता होगा? स्टॉक रजिस्टरों में हर बात का रिकॉर्ड बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, जैसे तिथि, विवरण, मौजूदा स्टॉक, आमद, योग आदि। पंचायतों के स्टॉक का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरह से रखने में ये किस तरह सहायक है वंदे, मुझे जरा विस्तार से तो बताओ। हाँ हाँ नन्ही, मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्राम पंचायत का स्टॉक रजिस्टर, स्टोर सामान जब प्राप्त किया जाएगा तो उसकी मात्रा, गणना आदि की पुष्टि करने के बाद तुरंत स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। किसी दिन की प्रविष्टि के अंत में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि स्टोर सामान उचित स्थिति में प्राप्त किया है, कमी कोई है तो उसे लाल स्याही से वर्णित किया जाएगा। स्टोर सामान की चीजों उचित मांग पत्र और लिखित आदेश जारी करने पर जारी किया जाएगा तथा इसका इंद्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जाएगा। हर शासकीय संस्था की तरह ग्राम पंचायतें भी अपना स्टॉक रजिस्टर बनाती हैं। पंचायतों के स्टॉक रजिस्टर में कुछ बातों का होना अनिवार्य है, जैसे तिथि, विवरण, मौजूदा स्टॉक, आमद, उपयोग स्टॉक, अनुपयोग स्टॉक। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तिथि, किस तारीख को क्या नया सामान पंचायत में खरीदा गया उसकी तिथि साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए। विवरण, विकास कार्यों के लिए किस जगह से क्या खरीदा गया उस सामग्री का नाम आदि की संक्षिप्त जानकारी लिखी जानी चाहिए। मौजूदा स्टॉक, जिस प्रकार की सामग्री क्रय की गई है क्या उस प्रकार की सामग्री पंचायत में पूर्व से अवस्थित है, यदि अवस्थित है तो उस सामग्री की संख्या कितनी है इसके बारे में साफ तौर पर स्टॉक रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर पंचायत ने स्टेशनरी आइटम मंगवाए हैं तो ये भी लिखा जाना चाहिए कि पहले से स्टेशनरी कितना आइटम पंचायत में मौजूद है। आमद, जो भी सामग्री पंचायत ने मंगवाई है उसकी संख्या रजिस्टर में लिखी जानी चाहिए, जैसे 10 पंखे, 5 कूलर आदि। योग, सभी सामानों का कुल योग कितना हुआ है ये भी रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए। कुल योग से ही खर्च का सही सही आंकलन किया जा सकता है। उपयोग, मंगवाई गई कुल सामग्री में से कितनी सामग्री उपयोग हो रही है। अनुपयोग स्टॉक, ऐसे स्टॉकों के बारे में भी साफ तौर पर लिखा जाना चाहिए जो मंगवा तो लिए गए हैं लेकिन उनका उपयोग फिलहाल नहीं हो रहा है। विशेष, किसी सामग्री की संपत्ति या खराब होने से संबंधित जानकारी आदि के बारे में लिखना जरूरी है। सामान के खराब होने के कागज पर प्रधान के हस्ताक्षर होने चाहिए। हाँ, इस तरह से सभी स्टॉक का रिकॉर्ड बड़ी आसानी से रखा जा सकता है, लेकिन वंदे मुझे ये बताओ इन रजिस्टरों में हर चीज लिखने का और क्या लाभ है? स्टॉक रजिस्टर को लिखने के और भी लाभ है नन्ही। रजिस्टर पे इन्हें लिखने से संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से हो पाता है। वहीं किस काम के लिए किस संसाधन का चयन करना है इसका चयन भी हो पाता है। तुम्हें मालूम है विकास कार्यों को करने में ये रजिस्टर मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं रिकॉर्ड को सही प्रकार से रखने से गुणवत्ता भी सुधरती है। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। स्टॉक रजिस्टर के कई लाभ हैं, जैसे संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का चयन, विकास कार्य में सहायक, गुणवत्ता में सुधार, अनावश्यक संसाधनों पर रोक, संसाधनों का उचित रिकॉर्ड, योजनाओं को बनाने में सहायक। तो क्या तुम समझ गई नन्ही? हाँ,
मैं समझी कि इससे श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा और मैं ही नहीं बल्कि सभी गांव वाले भी समझ गए। क्या आपको सभी जानकारी का बोध हुआ ना? यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। हाँ जरूर पूछिएगा, आपको जानकारियों से परिचित कराना ही हमारा कर्तव्य है, जिसमें आपका भी योगदान अहम है।